नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, आज जो है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस स्टॉक को मैंने चुनाव किया है वो स्टॉक है HDFC AMC। HDFC AMC को 1 महीने नहीं बल्कि 1 महीने से ज़्यादा अवधि के लिए होल्डिंग करने का मेरा इरादा है। सबसे बड़ी चीज़ है मित्रों ये है कि HDFC AMC इस समय करेक्शन पर उपलब्ध है। एक समय बहुत ही बम्पर रिटर्न देने वाला, बहुत तेजी से भागने वाला स्टॉक इस समय करेक्शन पर उपलब्ध है। और ऐसे स्टॉक जब करेक्शन पर उपलब्ध हो मित्रों, तो फिर आंख बंद करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। यह शेयर ऐसा शेयर है मित्रों, मेरा अपना मानना है कि पोर्टफोलियो का एक अनिवार्य हिस्सा भी इसको बनाना चाहिए। HDFC AMC बोले तो HDFC म्यूचुअल फंड को ओन करने वाली कंपनी, अभी तक भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी HDFC AMC रही, लेकिन पिछले महीने SBI म्यूचुअल फंड ने HDFC म्यूचुअल फंड को पीछे कर दिया है। फिर भी HDFC AMC में अभी बहुत ही पोटेंशियल है, इसको खरीदना चाहिए। अभी स्टॉक मार्केट में जो AMC कंपनी लिस्टेड है मित्रों, उसमें दो कंपनियां लिस्टेड हैं। एक है HDFC AMC, दूसरा है निप्पन इंडिया एसेट लाइफ मैनेजमेंट। हालांकि तीसरी देखेंगे तो आदित्य बिरला कैपिटल भी है, लेकिन आदित्य बिरला कैपिटल एक AMC बिजनेस को ही ओन नहीं करती, बल्कि आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर 13-14 बिजनेस है फाइनेंस के। उसमें होम लोन भी है, उसमें जनरल इंश्योरेंस भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी, यानी एक तरह से वो समूह है HDFC AMC। HDFC ग्रुप का है, मैनेजमेंट में कोई इश्यू नहीं है। और मौजूदा समय में मित्रों AMC बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है, जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में बताता रहा हूं। और रिलायंस जो पहले एक समय अनिल अंबानी समूह की रिलायंस म्यूचुअल फंड थी, उसमें रिलायंस निप्पन, उसका पूरा नाम था RNAM, उसको जापानी कंपनी ने पूरा का पूरा 75% स्टेक ले लिया। तो निप्पन इंडिया जो है अब जापानी हो चुकी है। हाल ही में निप्पन इंडिया ने अपना उच्चतम स्तर छुआ था 400 कुछ रुपए का, वो छुआ है। तो अभी इसके अंदर गैप बाकी है, तो HDFC AMC को खरीदना चाहिए। वर्तमान में मित्रों 3246 पर ट्रेड कर रहा है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं प्रदर्शन के हिसाब से देखेंगे मित्रों, तो 1 महीने में इसने -0.53 यानी आधा परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है। 3 महीने में 7.18%, 6 महीने में 43% का रिटर्न है, और 1 साल में 146% का रिटर्न है, यानी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न रहा है। यदि आप इसका 52 वीक हाई लो देखेंगे मित्रों, तो 52 वीक हाई इसका 3844 है, जो कि 22 नवंबर 2019 को बना था। देखिए, देखा जाए तो 3 महीने का गैप हो चुका है अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त किए, उसके नीचे करेक्शन पे उपलब्ध है ये। और 52 लो देखेंगे तो 1307 है, जो 19 फरवरी 2019 को बना था, यानी 1 साल पहले 52 लो बना था। मूविंग एवरेज देखेंगे मित्रों तो 200 दिन का मूविंग एवरेज 2608 है, 100 दिन का 3150 है, 50 दिन का 3183 है, 20 दिन का 3228 है। यानी देखेंगे तो 32 दिन के मूविंग एवरेज को भी ये क्रॉस कर गया, 32 सॉरी 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया, सभी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया है। इस प्रकार मुझे लगता है कि अब इसमें तेजी होनी चाहिए। यदि इसको 1 महीने 2 महीने के दौरान होल्ड किया जाए तो यह अपनी नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा मित्रों तो यह 3200 इस समय चल रहा है, 3240 वाली, तो 3800 के भाव पर जाएगा, तो 20% के आसपास का रिटर्न देने की क्षमता रखता है। और जरा इसको देख लेते हैं फंडामेंटल को, तो 69,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, पी इसका 53 है, इंडस्ट्री पी 49 है, बुक वैल्यू 177 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 18.34 है। पी और प्राइस वैल्यू बुक वैल्यू दोनों हिसाब से काफी महंगा दिख रहा है, लेकिन अच्छी कंपनी, अच्छे बिजनेस, अच्छा मैनेजमेंट कभी भी सस्ते पर नहीं मिलते। इसके रिटर्न रेशियो देखेंगे तो
बहुत मजा आएगा। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी यानी 35% है, आरओसी 51.64 है और रिटर्न ऑन एसेट 32.68 है। और देखेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो देखना चाहेंगे तो डेप्ट इक्विटी रेशियो बहुत ही वो है, इसमें बुरा नहीं है, डेप्ट फ्री है, डेप्ट फ्री कंपनी है। और यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे मित्रों तो भी HDFC ग्रुप का इसमें अच्छा खासा होल्ड है, HDFC बैंक का। और सभी दृष्टिकोण से यह शेयर पोर्टफोलियो में रखने लायक है। 79.67% का प्रमोटर होल्डिंग है जिसमें भारतीय प्रमोटर यानी कि HDFC का 52% हिस्सेदारी है और 26% की हिस्सेदारी फॉरेन प्रमोटर के पास है और प्लेज शेयर 0 हो चुका है। तो HDFC AMC ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 2 महीने के दौरान यदि होल्ड किया जाए तो आसानी से 10% से अधिक का रिटर्न मिलना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी हो तो कृपा करके टिप्पणी करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।